बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी? उम्मीद ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी ठीक हैं और दुआ देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग देश परदेश में हैं और अपनी फैमिली से दूर हैं रिज्क की तलाश में, अल्लाह पाक उनके रिज्क में कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो लोग दुखी हैं परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे और अल्लाह पाक उनको सुखी सियत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी, आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं काम कर रहा था पिछले ब्लॉग के अंदर, मैं बना रहा था किचन के ऊपर जो है इस तरह की मिट्टी के साथ टुकड़े बना रहा था, इस तरह के ना मतलब एक तरफ के ना मिट्टी की तरह मिट्टी के ना मैं गोले बना रहा था। तो मिट्टी के जो गोले हैं ना वो किसी को भी नहीं पसंद आए। एक भाई ने कमेंट भी किया, सैफ अल्लाह भाई ने, कि आप जो ना ये ना लगाएं और आप इसकी जगह पर कोई और चीज़ लगा दें जो कि ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव हो। तो फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा जाता हूँ बाज़ार, देखता हूँ क्या चीज़ हमें अट्रैक्टिव मिलती है। तो मुझे मिले हैं जी इस तरह के जो है वो ये जो गले होते हैं ना, जो हम जिसके अंदर हम पैसे जमा करते हैं, तो ये हम मुझे मिले हैं। वैसे तो मैं पैसे खुद भी जमा करता हूँ गले के अंदर, तो एक दो बार हमने आपको दिखाया भी है, हमने गला अपना तोड़ा था और उसमें से पैसे जो है ना वो निकले थे। समीना इकट्ठे करती रहती है पैसे और अरहम भी गले के अंदर पैसे इकट्ठे करते हैं। अरहम को बड़ा शौक़ है पैसे इकट्ठे करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तो अब यहाँ पर देखें आप तो माशाल्लाह लुक जो है कुछ ना कुछ चेंज हुई है। लेकिन इसके अलावा अभी मैं जा रहा हूँ घर, तो घर से मैं लेके आता हूँ, मेरे पास हांडियाँ पड़ी हैं छोटी छोटी और मेरे पास चमचे पड़े हैं छोटे छोटे और मेरे पास जो मतलब उससे बड़ी कुछ कुनियाँ पड़ी हैं और मेरे पास मिट्टी के इस तरह के जो है जिस तरह एक घड़ा है इसी तरह पक्के हुए मतलब भट्ठी के अंदर पक्के हुए मेरे पास चूल्हे भी पड़े हुए हैं जो कि हमने किचन के ऊपर डेकोरेट करने हैं। तो घड़े तो मैंने लगा दिए, ये घड़े मैंने लगा दिए और यहाँ पे गले भी मैंने लगा दिए। अब मेरा काम जो है ना वो ये काम है कि इन मिट्टी के जो ये लगे हुए हैं ना इनको मैंने देना है उतार इस तरह। तो इन सब को जो है ना मैंने बारी बारी ऐसे ही तोड़ देने हैं। तो ये मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे थे, ये इसलिए मैंने मिट्टी के साथ बनाए थे। मैंने कहा मिट्टी के साथ बनाते हैं, अगर पसंद आए ठीक, ना पसंद आए तो इसी तरह हम जिस तरह इनको तोड़ रहे हैं इसी तरह इनको हम तोड़ देंगे। तो वही हुआ जो कि हमें नहीं पसंद आए तो हमने इनको तोड़ना अब शुरू कर दिया है। तो गलों को जो है ना हम नहीं तोड़ेंगे और जो मिट्टी जो लगी हुई है ना इनको, इसको हम मोटर चला के इसको वाश कर देंगे। तो फिलहाल जो है अज़ान हो रही है, तो अज़ान के बाद हम मिलते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से अज़ान जो है हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें अभी फ़िलहाल इसकी किचन की थोड़ी सी लुक जो है वो आपको सही नहीं लग रही होगी, क्योंकि अभी सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं हुई हुई, इसकी बाहर से भी सफाई नहीं हुई, अभी हमारे सहन की लिपाई भी नहीं हुई। लिपाई जब होगी तो फिर इसकी लुक जो है वो चेंज हो जाएगी और लुक इसकी निखर आएगी। तो ये जो है ना जो मैंने आपको किंगरी दिखा रहा हूँ ना, ये मैंने अभी दोपहर को बनाई थी, उस जगह पर थोड़ी सी ख़राब हो गई थी जो कि मैंने अभी उसको रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह बहुत प्यारी बन जाएगी। और इनकी इस किंगरी के ऊपर ना हमने करना है पेंट। तो पेंट जो है ना हमने जिस तरह किंगरी बनी हुई ना ऐसे करके ऐसे गुलाई में, फिर ऐसे करके ऐसे गुलाई में, इस जगह के सारे के ऊपर हमने करना है पेंट। और पेंट करने हमने वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और मज़े वाला होगा। जिस तरह अब ये बॉर्डर बना हुआ है ना, इसी तरह हमने पूरे घर का बॉर्डर बनाना है। देखिए कमरे के आगे भी, इधर भी और उधर भी, सारा मतलब सारा जो है हम बॉर्डर बनाएंगे तो बहुत ही कमाल का लगेगा। और इस जगह के ऊपर ख़ास तौर पे हम अपने पंखा जो होता है ना फूलों वाला खूबसूरत सा, वो लगाएंगे, पंखे लगाएंगे और अपनी छबियां लगाएंगे और हम लाल टैन जो है इस तरह इस जगह पे डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम किचन पे मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, तो साथ साथ बना रहे हैं ताकि कुछ माइंड में चीज़ें भी आती जाएं और हम इसको सजाते भी जाएं। तो आप सब ने भी मशवरे देने हैं हमें ताकि हमें जो है ना कुछ आसानी हो जाए। तो इंशाल्लाह हम इसको बेहतरीन सजाएंगे और फिर आप सब से शेयर करेंगे। ये जो घड़े हैं ना छोटे, ये गले जो हैं, गले मैं लेके आया हूँ जी 10-10 रुपए का। तो 10 गले में लेके आया था 100 रुपए के, तो बहुत ही मतलब सस्ते हैं देखा जाए तो। 10 रुपए की आजकल क्या आती है, बच्चे खाते हैं 10 रुपए 20 रुपए खा जाते हैं। तो मैंने ये जो है ना वो लिए हैं 10-10 रुपए के हिसाब से। तो ये इनको मैंने सीमेंट के साथ फिक्स किया ताकि ये निकल ना जाए, क्योंकि घर में जब मेहमान आते हैं ना तो फिर मेहमानों के जो बच्चे होते हैं ना वो फिर उनको, एक तो बच्चा बंदा रोक नहीं सकता और वो रुकते भी नहीं हैं और फिर वो इनको पकड़ के खींचते हैं, अगर गाड़े के साथ होते ना ऐसे टूट जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको फिक्स किया है सीमेंट के साथ। तो बहुत ही कमाल लग रहे हैं, देखें लुक चेक करें माशाल्लाह हमारे घर की,
जब ये फुल लिपाई वगैरह हो जाएंगे ना माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे बन जाएंगे और प्यारे बन जाएंगे। और इधर से जो है ना वो कुछ बादल भी आ रहे हैं, तो अल्लाह पाक खैर करे जी। चलते हैं अभी लेके आते हैं बाकी सामान। अच्छा, तो मैं जब गले लगा कर घर चला गया था, वहाँ से मुझे मिले हैं छोटे मोटी चीज़ें, क्योंकि ये किचन है हमारा, तो मैंने किचन जैसा टच दिया है यहाँ पे। ये देखें, आराम के चूल्हे वगैरह यहाँ पड़े हुए थे, इनको मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। और ये पैसे डालते रहे। हाँ, इधर आपने पैसे इकट्ठे करने हैं तो वो कर लिया करो। या फिर रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए रोज डाल दिया करो, या फिर जो आए उससे ले लिया करो। ये भी तो घड़ा बन, ये इसको नहीं चिपकाया। नहीं, इसको चिपकाना है। तो जो घर में आए ना, अरहम आए या मामू की बेटियां आए, उनको कहना कि ये गले लगे हुए हैं, यहाँ पे टिकट डालते जाओ। ये देखना, जब बच्चे आएंगे उठा के ले जाएंगे, खल्ले खाएंगे मुझसे। हाँ, तो क्या जी, खल्ले खाएंगे। और यहाँ इसको भी मैंने फिक्स किया है, ये ऊपर वाली मैंने फिक्स नहीं की, नीचे जो है वो फिक्स है चूल्हा। अभी कुछ और भी लेने के लिए जाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो भी लगाऊंगा यहाँ पे, अभी थोड़े से कम है। तो देखो, अच्छा वो किंगरी देखो वो कैसी लग रही है, कहाँ पे उधर देख लो। हाँ, उधर है। ओए होए, विदाम 1000 रुपए किलो। आंधी आ रही है ना। हाँ, आंधी भी बहुत शदीद बनी हुई है, अब तूड़ी का क्या करें। फिर मैंने तो कहा था इसको लिपाई करने का, ले। ये तो बड़ा गंदा माहौल बना हुआ है। आज मैं घर नहीं जाऊंगा और मैंने यहीं पे सोना है मैं, क्योंकि अगर तूड़ी उड़ी ना फिर मैं जफ्फी डालूंगा तूड़ी को, उन्हें नहीं दूंगा तुड़ी को। पहले उसको बंदोबस्त कर लो, ये भी उड़ेंगे देखना जो रखेंगे। ये कुछ, इसको कुछ नहीं होता, बस तुड़ी का मुझे डर है, तुड़ी उड़ेगी देखना। और ये लग प्यारे रहे हैं, है ना, है? ये लग अच्छे रहे हैं। ऐसे करो, वो जो बोरा अम्मा अम्मी के घर पड़ा हुआ ना, वो ले आओ। तरपाल बनाई थी, तरपाल भी बनाई थी वो बोरे की, और दूसरी भी पड़ी हुई है लाल लाल। नहीं, इतना आंधी नहीं होगी, कम होगी थोड़ी सी होगी। वैसे भी उसको बिछा के ना ऊपर मट्टी डाल देते हैं, वो खराब हो जाएगी, तरपाल सारी गल जाएगी। अच्छी तरपाल बनाई हुई है, वो खराब हो जाएगी सारी। ये आप लोगों ने फिर भी नहीं ले पाएगी ना ये जगह, वो अब कल कर देंगे। हम कल कर देंगे ना। सारे घड़े ही घड़े आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। इस घर का नाम रख देंगे घड़ा घर। ये देखें जी, यहाँ से देखें घड़ा घर, यहाँ नीचे देखें, हर जगह पे इसने घर ही सजा दिए हैं। तो अभी मैं नीचे से कर लेती हूँ सफाई। गड़ा हाउस या गड़ा घर। हाँ, ये मैं वैसे देख रहा हूँ कि अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। रंग भी ले आया हूँ मैं, करूँ इसको रंग कर दूँ, करके दिखाओ, देखते हैं कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है ठीक, वरना फिर क्या देखेंगे। ये तो पेंट भी वो गाढ़ा है, अच्छे वाला पेंट है। ऊपर करो ना घड़े को, उसको भी करते हैं। वो नहीं है, वो पानी नहीं पड़ा, पानी नहीं, वाटर से खाले से भर के आती है पानी। जाओ भर के लाओ। अभी बना रहे हैं ये पेंट, इसको मैं पानी भर के दिया है, तो इसको पतला करके फिर करेंगे, घड़ों को भी करेंगे और साथ ये नीचे भी करेंगे। घड़ों को कौन सा पेंट करें, ये कर दो लाल। नहीं, लाल नहीं करेंगे। हाँ, कोई और करेंगे अच्छा सा देख के। यहाँ पे देखिए कितना ही कचरा बिखरा हुआ है, और हमारा ये कोठी कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, हमारे पास बड़े ब्रश पड़े थे, वो कहाँ पे हैं, पड़े हैं घर में? नहीं, एक नहीं पड़ा, सूख गए हैं सारे यार, वो साफ हो जाते हैं। वो ना बिल्कुल ही खुश्क हो चुके थे, तो मैंने जो है वो उनको भाई फेंक दिया था, तो इस वजह से ना ये पहले तो उसको देखभाल नहीं करता, बाद में पूछता रहता है। अभी दरवाज़ा कर बंद, क्योंकि हम बना रहे हैं वीडियो। चलो जी, वैसे आंधी भी आ गई है मेरे ख्याल में। कव्वे जो है अपने घरों को जा रहे हैं खाना वगैरह खा के, तो हम अभी अपने जो है कारोबार कर रहे हैं। आप ऐसा करो, इधर मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी को साफ कर लो किसी कपड़े वगैरह के साथ। अच्छा, जल्दी करो। हाँ,
उठा पेंट कर लो उसको। ये कुछ जो है इसने पिंक कलर के ये कर दिए हैं, अभी कुछ सफाई नहीं हुई ना इस वजह से अच्छे नहीं लग रहे। जब यहाँ से अच्छी तरीके से नीचे से लपाई भी हो जाएगी तो फिर ये ना बहुत अच्छे लगेंगे। अभी मैंने सफाई वगैरह नहीं की, अभी हम तैयार कर रहे हैं और इसके बाद फिर सफाई करेंगे। और ये भी, ये बारिश से तो ख़राब हो जाएगी लेकिन चलें फिर हम इसको बना लेंगे। तो वैसे ये अच्छी लग रही है माशाल्लाह, ये भी अच्छे लग रहे हैं। चलो उठ जाओ पेंट कर लो फिर चलें घर, क्योंकि काफ़ी ना आंधी का इम्कान है और खाना भी मैंने बनाना है, रोटी भी बनानी है, सालन भी नहीं बना हुआ वो भी अभी बनाना है, काफ़ी सारा काम है। तो अभी जल्दी से ये बनाते हैं, उठ जाओ फिर। एक बंदा काम कर रहा हो ना फिर शर्म करनी चाहिए इंसान को, फिर उसको ना तसल्ली देनी चाहिए उसका, उसकी हौसला। मैंने इसे कहा है कि ये ना बच्चे आते हैं ना हमारे साथ घर, मतलब रिश्तेदारों के, मैंने कहा वो कहेंगे खिलौने वो ना तोड़ के फेंक दें या तोड़ दें। अच्छा चलो उठो। ये सीमेंट के साथ लगे हुए हैं, ऐसे थोड़ी टूट जाएंगे बच्चों से, ऐसे थोड़ी निकल जाएंगे उठाएंगे तो। अच्छा चलो उठो कर लो पेंट, जल्दी से करो उठो। मेरे ख्याल में सबको ये यही पेंट करेगा पिंक, ये बना हुआ है नीचे, ये अभी तक हुए नहीं है। इसमें पानी भी लगाते हैं नीचे, सूरजमुखी का ना बीज जिसने बोया था वहाँ पे तो हो गया लेकिन यहाँ पे अभी नहीं हुआ, ऐसे ना। ये देखें जी लाली भी आ गई इधर, इसने अपने घर नहीं जाना। उठ जाओ आप कर लो फिर चलें घर। मैं सारा खराब बनाया है, आप बनाओ, आप अच्छा बनाती हो। यही पेंट पड़ा हुआ है, सारा दिन जलील हुआ हूँ, सारा दिन काम किया है, शाम को मैडम साहब आई है कहती है अच्छा नहीं बना, गंदा लग रहा है। मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा बच्चे खराब कर देंगे, मैंने इस वजह से कहा है, सुन लिया आपने क्या? इसको भी करना है ये? नहीं नहीं इसको नहीं करना। फिर मैं तो ऐसे ही करूंगी, अब खुद को आता नहीं फिर दूसरों का, दस घंटे लगा के कर रहा है, इक्विपमेंट का काम करना फिर है, ताकि एक बंदा जो काम करता है फिर वो डिसहार्ट हो जाए। चलें जी ये देखें, इसको भी करना है गड़े को, ये पेंट ना ये लेके आया बहुत महंगा है पेंट, एक साल हो गया पड़ा हुआ है लेके आया महंगा। अच्छा हमने ना किया है जी पेंट, पेंट हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, डिस्टेंबर जो होते हैं ना वो, तो यहाँ ऊपर ऊपर हमने पिंक कर दिया, नीचे रेड कर दिया और इस तरह इन छोटे मोटे जो चीज़ें हैं ना उनको भी हमने पेंट कर दिया है। तो जो फुल हमारा है ना किचन उसको हम करेंगे वाइट कलर। तो अभी ये कुछ गीला है, इसको तराई वगैरह करेंगे सुबह कि पक जाएगा, उसके बाद हम इसको सारे को वाइट कलर कर देंगे। और वो जो हमारी सीढ़ियाँ हैं ना, स्टेप हैं, स्टेप को भी हम पेंट करेंगे और उसको भी हम कोई अच्छा सा ना डिज़ाइनिंग वाला पेंट करेंगे मुकम्मल उसको। तो ये बेहतरीन हो चुका है और प्यारा भी लग रहा है, देखिए ना। और इधर से आंधी वगैरह बारिश वगैरह बनी हुई है, डर रहा हूँ कि कहीं हमारा तूड़ी, हमारी तूड़ी ना ख़राब हो जाए। अब देखें जी हमारा किचन, ये किचन देखें हमारा माशाल्लाह, और इधर हमारा कमरा देखें। तो ऊपर जो है ना फिर बच गया आज, तो इंशाल्लाह बनाएंगे उसको कल ना हम फर्स्ट टाइम, अगर मिस्त्री आ गया ठीक, ना आया तो फिर हम इसकी लिपाई वगैरह करेंगे। तो इंशाल्लाह जब फर्श हमारा सहन जो है वो लिपाई हो जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह बेहतरीन बन जाएगा, हमारा माहौल देखने वाला होगा। तो इसका भी हमने अभी सहन लिपाई वगैरह करना है, तो कुछ देर है। और किंगरी बहुत प्यारी लग रही है, अभी मगरिब की अज़ानें भी हो रही हैं, तो मैंने छोटे भाई को कहा, मैंने कहा कुछ तरपालें वगैरह हों तो ले आओ, इसके ऊपर डाल के ना हम ऊपर जो है मिट्टी कच्ची डाल देंगे, ताकि आंधी वगैरह से, हवा वगैरह से ना उड़े ना हमारी तुड़ी। तो इंशाल्लाह इसको जो है ना हम ऊपर कवर कर देंगे। और हवा की वजह से बहुत उछल कूद रहा है हमारा दरवाज़ा, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का फुल्का है तो ये इसलिए ना उड़ रहा है, शोर भी काफ़ी कर रहा है। तो छोटे भाई ने ये जो है ना बांस अंदर की तरफ बांध दिए थे, हालांकि अंदर की तरफ नहीं बांधने थे, बाहर की तरफ बांधने थे, ताकि ये पतले हैं ना वो निकल ना जाएँ। तो फिर मैंने बाहर की तरफ भी वैसे इसको बांधा था।
तो जो ही तो पानी लेके आता है भाई, फिर इंशाल्लाह इसकी उसको कवर करते हैं हम पूरी को। इधर से आंधी बनी हुई है, ये चेक करें इधर से। अभी हम बना रहे हैं रोटी, क्योंकि काफ़ी हवा चल रही थी और मैंने काफ़ी सारा काम भी किया था, देर हो गई, आज काफ़ी लेट हो गए हैं बनाने में। दोपहर को मैंने बनाया था आलू और बैंगन का भरता, वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, फिर मैंने सोचा है कि थोड़े से ना प्याज जो है वो तड़का लेते। इधर मैंने थोड़ा ये प्याज ना खाओ तो बेहतर है। इससे पता है क्या होता है, इससे ना कमर में और बैक पे बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। शाम के टाइम प्याज ना बनाओ। लोग सलाद खाते हैं, इसका पता है आपको? ये शाम के टाइम सलाद भी नहीं खाना चाहिए, पता है आपको? ये दोपहर के टाइम या सुबह के टाइम, सुबह के टाइम नहीं फिर दोपहर के टाइम खाना चाहिए सलाद। आज बना लेते फिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब सालन जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मैंने रखा। ये प्याज ना यकीन करो इससे ना पेट खराब होता है, और हाँ लेकिन फिर भी ना केयर करनी चाहिए, पेट इससे खराब हो जाता है और कमर, खास तौर पे कमर दर्द शुरू होता है इससे ना, बड़ा गंदा। मुझे तो मैं खाता जाऊंगा मुझे शुरू हो जाएगा देखना। अब फिर क्या करें, चाय बना लें फिर? हाँ मैं चाय से क्या खा लूंगा, वैसे मैं थोड़ी सी खाऊंगा खाना, मैं आज एक रोटी खाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले खाया है खाना। मैंने इतनी सारी रोटियां भी पकाई हैं, पता है? मैंने पका के खा लिया था रोटी। तीन रोटियां मैंने पकाई हैं आपके लिए, दो हमारी हैं। तीन मेरे लिए पकाई हैं? हाँ। सदके मेरे लिए एक काफी है। दूध मंगवाया अभी, उससे चाय बना लेते फिर सुबह आप और ले आना, ठीक है? नहीं बस भी, अगर चाय के लिए दूध मंगवाया तो फिर ना बनाओ मेरे लिए चाय, मैंने खानी भी नहीं है रोटी, क्योंकि मैंने ना अभी कुछ देर पहले बनाई है रोटी, खुद बनाई थी मैंने, इसको नींद थी, मैंने कहा इसको जगाऊं ना, तो फिर मैं ना खुद मैंने खुद रोटी बनाई थी। सालन तो बना पड़ा था हमारा भरते वाला, फिर मैंने खुद ही आटा गूंदा, खुद ही रोटी बनाई, तो देखा था आपने मुझे आवाज सुन रही थी, सोनर कौन सा दिया, ठक ठक तो लगाई हुई थी, मैंने जानबूझ के ठक ठक लगाई थी। अल्लाह पाक तो देख रहा है, अल्लाह पाक ये भी तो देख रहा है कि हस्बैंड को खाना वगैरह बना के देते हैं। बस करो। हाँ, इसको मैंने कहा खाना बना के दो, ये कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बना के दे रही। फिर मैंने खुद ही उठा, फिर जब मैंने बैठा रहा पहले। बात सुनो, इंसान को सीखना चाहिए, कभी मुझे नहीं भी होती घर में या कुछ मसला हो जाता तो आप बना के खा सकते हो ना, मुझे आप ऐसे ऐसे सिखा दो, पका के बताओ कि ऐसे ऐसे बनाते हैं। हाँ ये कौन सी प्रैक्टिस है भी मेरी, खुद कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, खुद बना के खा लो। हाँ फिर बंदा जी खुद आपको जो बंदा है वो रील होता रहे, अखबार होता रहे, बनाता रहे खाना। चले आज पता चल गया है ना ऐसे बनाना है, फिर अंदर भी बना दिया। चलो ये हालात है जी आजकल, ये हालात है, आप देख लें। आप हमें देखने वाले काफी खुद बना के खाते होंगे, पता है? आप ना करें क्या मतलब, वैसे जो ना काफी अमीर अमीर लोग होते हैं ना वो खुद बना के किचन में खा। चलो हाँ। अच्छा आप बताना है, आप सब में आपके किस किस के हस्बैंड है वो खुद बनाते के खाना बना के खाते हैं? कोई भी नहीं बना के खाता। नहीं मेरे पास सुनो, औरतों का क्या काम होता है घर में? औरतों को और कोई काम नहीं होता, बच्चे संभालना, घर संभालना। ओ बच्चे, मैं ना जंग लगी हुई क्रिकेट टीम हमारी है जी माशाल्लाह, एक भी हमारे 10 के बराबर, बाकी उसको लंबी जिंदगी दे, वो देखो काम देखो खेल रहा है। चलें जी अभी प्रैक्टिस मेरी शुरू हो चुकी है जी, खाना वगैरह खुद बनाने की। कभी जो प्रैक्टिसर है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, कभी उसको गुस्सा भी आ सकता है, कभी वो बम्बाणी भी दे सकता है कि ये क्या तुमने रोज रूटीन बना दिया है कि चाहो खुद पका के खा लो। मैंने नहीं पीनी चाय। नहीं क्या, नहीं मैंने नहीं पीनी, अगर पीनी है तो खुद बना लो, मेरे लिए ना बनाना। हाँ सालन काफी है। दोपहर को मैंने ये भरता खाया था, बहुत मजे का बना हुआ था, लेकिन मैं गुस्से से खा गया, मैंने कहा रोटी मुझे क्यों ही बना के दी, बड़ा गुस्सा आया हुआ था मुझे उस टाइम। पता है क्या, वो ना रोटी आप दोपहर को इतने शौक से खाते नहीं हो। क्या मतलब? दूसरी बात ये, आटा मैंने गूंद के फ्रिज में रखा हुआ था, मैं उठ के बना लेती, लेकिन मेरे ना सर में और कान में बहुत ज्यादा शदीद दर्द था, इस वजह से। अगर शौक का कहा ना मानो ना फिर ज्यादा होता है दर्द, आई समझ, इसलिए चुप करके मान लिया करो फिर ठीक हो जाएगा। चलें जी, ये मैंने इसको थोड़ा सा दे दिया है आलू का, बैंगन का भरता,
और हम इधर कपड़े मैंने खुद रख लिया फिर इसको तो और हम इधर के पहने कपड़े। आज मैंने शतूर को खोल दिया था, मैंने कहा कि देखते हैं ये नीचे गिरता है कि नहीं, लेकिन ये ऐसे ठहरा रहा माशाल्लाह से। ये अपना मतलब ऐसा सीधा हो गया है, इस ऐसे खड़ा करने से ना, धागे से इसको बांधने से इसकी हड्डी मजबूत हो गई होगी ना। हाँ तब ये सीधा इसकी नरम। अब ये सीधा सुबह हम ना पता क्या करेंगे, अमरूद ले जाएंगे उधर उगाएंगे, ये जो पौधे सारे ना खुश्क होते जा रहे हैं ये उधर जाके उगाएंगे। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन वजन काफी है उठाए नहीं जाएंगे, दोनों का काम उठाना। हाँ तो उधर जाके इनको उगाएंगे, यहाँ पे सारे सूखते जा रहे हैं, वहाँ पे छांव पे ना उगा देंगे इनको। ठीक है। हाँ।